धन्वंतरी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। उपलब्ध सुविधा, मेडिसिन विभाग 15 बेड्स से सुसज्ज आईसीयू, ईसीजी, 2D इको, पीएफटी, अस्थिरोग विभाग, एक्सीडेंट, कृत्रिम सांधेरोपण, दुर्बिणीद्वारे शस्त्रक्रिया, मणके विकार आणि शस्त्रक्रिया, सुपर स्पेशलिटी विभाग, प्लास्टिक सर्जरी, कैंसर सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, पेडियाट्रिक सर्जरी, सर्जरी विभाग, दुर्बिणीद्वारे तपासणी आणि शस्त्रक्रिया, लेझर शस्त्रक्रिया, किडनी विकार, स्त्रीरोग विभाग, नॉर्मल डिलिव्हरी आणि सिझेरियन सेक्शन, प्रसूतीपूर्व आणि प्रसूतीपश्चात तपासणी, स्त्रीरोग चिकित्सा, गर्भपिशवीचे सर्व प्रकारचे आजार, निदान आणि उपचार, दुर्बिणीद्वारे शस्त्रक्रिया, मासिक पाळीचे आजार, किशोरवयामधील पाळीच्या समस्या आणि उपचार, तसेच कार्डिओलॉजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, पेन मॅनेजमेंट, पल्मोनोलॉजी, गॅस्ट्रोएंटेरोलॉजी, तसेच इतर सुविधा, डिजिटल एक्सरे विभाग, पॅथॉलॉजी लॅब, 24 तास ॲम्ब्युलन्स सेवा, 24 तास मेडिकल सेवा, 100 बेड सुविधा, सुसज्ज अपघात विभाग, ट्रामा केअर युनिट, सर्व प्रकारच्या नामांकित कंपन्यांचे कॅशलेस सुविधा उपलब्ध, महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना, धन्वंतरी मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर दीपक अनिल तांबे अस्थिरोग तज्ज्ञ, डॉक्टर अजिंक्य म्हसे जनरल फिजिशियन आणि छाती विकार तज्ज्ञ, डॉक्टर दीपाली प्रवीण कुमार पाणसरे मेडिकल डायरेक्टर, डॉक्टर प्रवीण कुमार पाणसरे जनरल सर्जन। ठिकाण, धन्वंतरी मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल, ताजने मळा, नवीन नगर रोड, संगमनेर, जिल्हा अहमदनगर। फोन नंबर 024-25-22-75-74, तसेच 22-75-75, मोबाईल नंबर 74-99-17-68-64। संगमनेर शहरामधील जोरवे नाका परिसरामध्ये असलेल्या यंग नॅशनल ग्राउंडवरती गटार पाणी जलशुद्धीकरण म्हणजे STP प्लांट संगमनेर नगरपालिकेच्या वतीनं सुरू करण्यात येणार आहे। दरम्यान हा प्लांट दुसरीकडे नगरपालिकेनं न हलवल्यास मुस्लिम समाजाचे नगरसेवक राजीनामा देणार आहेत, असा इशारा नगरसेवक नूर मोहम्मद शेख यांनी C24 बोलताना दिला। मेरे दोस्तों से, मेरे समाज के लोगों से, मेरी माँ बहनों से यही कहना चाहूँगा, जैसे आरिफ ने भी बताया, वसीम ने भी बताया कि हमारी पूरी पूरी कोशिश चालू है। जो तुम चाहते है वो हमारी इच्छा है, हम लोग जो भी है तुम्हारी वजह से है, तुम्हारे साथ है और तुम्हारे लिए ही है। तुम्हारा जो निर्णय रहेगा वो हमको मंजूर है, हम उसके वास्ते कोशिश कर रहे। बात रही ग्राउंड की, तो हम यहाँ देखो आज चार नगर सेवक है, चार पांच नगर सेवक है, हम गवाही देते हैं कि इंशाल्लाह ग्राउंड ये एरिया में इससे बड़ा ग्राउंड मिलेगा इंशाल्लाह, हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे। बात रही एसटीपी की, हमारी पूरी पूरी कोशिश चालू है कि जैसा सब ने बताया कि ये जगह बदली करने का हमारी पूरी पूरी कोशिश चालू है। देखो CO साहब भी नए आए अभी, हम एक बार फिर से हम जाएंगे, फिर से मीटिंग लेंगे, फिर से कोशिश करेंगे कि ये यहाँ से कैसा दूसरी जगह पे हालाते आए, मतलब ये जो प्लान होना है। तुम्हारी अगर इच्छा है, इच्छा है राजीनामे की, तो हम सब वो बात के लिए भी तैयार है, हम उससे पीछे हटेंगे नहीं। यार तुम ये जो बन रहा है इसके बारे में तुम्हारा मत क्या है, बनना कि नहीं बनना? हम जो लोगों का मत है वो हमारा सबका मत है, नहीं बनेगा तो इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ नहीं बनना, यहाँ की जगह दूसरी बनना। और साथ ही साथ हमारी ये भी कोशिश, एक बात ऐसी है, ये देखो नाटकी नाला मेरा होटल से चालू होता, वहाँ से जो तकलीफ है नाले की, तो यहाँ तक है पूरा मुस्लिम एरिया में से जाता। हमने जो कोशिश किए थे, आरिफ ने भी बताया आपको, कि वो नाला पैक हो के वहाँ की जो तकलीफ है वो बंद हो, वो पैक होने के लिए यहाँ तक STP आया। तो अब रही बात STP की, तो इंशाल्लाह यहाँ भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि STP जैसा आप चाहते हैं यहाँ नहीं बनते हुए उसको अच्छी कहीं तो भी और कहीं अच्छी जगह देख के वो प्लांट को। देखो तुम्हारा भी विरोध STP को है नहीं, तुम्हारा भी विरोध जगह को है, हमारा भी सेम है, तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, आप जैसा चाहते हैं वैसा पूरा पूरा करने की कोशिश करेंगे। यावेळी संगमनेर नगरपालिकेचे उपनगराध्यक्ष आरिफ देशमुख म्हणाले की गटार पाणी जलशुद्धीकरण प्रकल्प यंग नॅशनल ग्राउंडवरती होणार असल्याचा ठराव सन 2011-12 मध्येच नगरपालिकेच्या मीटिंगमध्ये मंजूर झाला होता।
शहरामध्ये सर्व बंदिस्त गटारीचे पाणी एका ठिकाणी आणून त्या पाण्याचे जलशुद्धीकरण करणं हा या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश आहे. मात्र येथील स्थानिक नागरिकांचा या प्रकल्पाला विरोध आहे. हा विरोध पाहता हा प्रकल्प या ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणी नेण्यात यावा यासाठी आम्ही सर्व नगरसेवक प्रयत्न करणार आहोत. तसेच या आंदोलनाला आमचा पाठिंबा असल्याचे उपनगराध्यक्ष देशमुख यांनी म्हटलंय. आज यहाँ पे एक स्थानिक लोगों की तरफ से एक जन आंदोलन पुकारा गया है, जो कि एसटीपी प्लांट की उभारनी इस जगह के ऊपर मतलब नियोजित की गई है. तो यहाँ के लोगों का मानना ऐसा है कि एसटीपी प्लांट ये जगह पे नहीं होते से दूसरी जगह पर होना चाहिए. तो इसके समर्थन में हम आज नगर पालिका की तरफ से समझो नगर सेवक भी हम इस बात के समर्थन में है. पर मैं एक बात आपको सबको जो समाज के अंदर और यहाँ के स्थानिक लोगों के अंदर जो एक गुमराह किया गया लोगों को कि इसकी वजह से बहुत सारी तकलीफें हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारा राजकारण हुआ, तो ये सब बातों के अंदर कुछ बातें ऐसी भी थी कि जो नहीं होनी चाहिए थी. पर आज मैं ये सब चीज़ों की हकीकत तुम्हारे को बताना चाहता कि एसटीपी प्लांट की उभारने का विषय सबसे पहले तो आज इन 5 सालों के अंदर जो नगर पालिका के अंदर नाटकी नाले के ऊपर जो भरपूर सब ने नगर सेवकों के स्टैंडिंग नगर सेवकों की तरफ से समाज की तरफ से जो नाटकी नाले के बंदिश के ऊपर बहुत सारा जोर दिया गया, तो उसके लिए एसटीपी प्लांट उभारना बहुत ज़रूरी था. तो एसटीपी प्लांट के लिए नगर पालिका के पास में दूसरी कोई नगर पालिका की इसकी जगह नहीं रहने की वजह से उन्होंने यहाँ पर प्लांट नियोजन किया. और ये प्लांट का नियोजन 2011-12 की जनरल मीटिंग के अंदर इसका ठहराव होकर तभी जगह निश्चित हो गई थी ये, तो उसकी वजह से वही प्रोसेस पूरी आगे कैरी करके और अभी वो उसकी सरकार की तरफ से कुछ नियोजन होने की वजह से आज यहाँ पे उसकी उभारने का काम चालू करने के लिए आए. तो हमारा सबका यही कहना है कि एसटीपी प्लांट है बहुत अच्छी चीज़, उसकी वजह से जितने भी खुले नाले हैं शहर के अंदर के वो अंडरग्राउंड हो जाएंगे, रोग राई कम होंगी, मतलब जो उससे प्रसार होते थे आरोग्य को जो नुकसान पहुंचता था ये सब चीज़ें कम होने वाली है एसटीपी की वजह से. बस हम सबका पूरे समुदाय का और जनता की तरफ से यही कहना है कि एसटीपी प्लांट यहाँ नहीं होते से और कोई दूसरी जगह हो, क्यों तो यहाँ पे दाट लोग बस्ती है और उसकी वजह से कुछ आगे नुकसान ना हो इसके लिए आगे ये दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए हम भी कोशिश. हाँ आज तुम्ही सत्ताधारी आहे, आज उपनगर अध्यक्ष आहे, परंतु आज तुम्हाला वाटतंय का मग आज तुम्हाला इथं यावं लागलं नागरिकांच्या समर्थनासाठी, तर तुम्हाला वाटतंय का वरिष्ठ ऐकतील म्हणून? आमचा प्रयास ते चालू आहे. आम्ही ह्याविषयी वरिष्ठांबरोबर पण चर्चा केलेली आहे. वरिष्ठांची आमची चर्चा चालू आहे. जे काही निष्कर्ष निघेल ते सगळं आम्ही जनतेपुढे मांडण्यास सक्षम. हा गैरसमज झालेला असेल कदाचित. आम्ही साहेबांबरोबर चर्चा करू. माननीय महसूल मंत्री महाराष्ट्र राज्याचे माननीय नामदार बाळासाहेब थोरात यांच्याबरोबर आमची पूर्वी पण चर्चा झालेली आहे आणि आत्ता पण याच्या पुढे चर्चा होणारच आहे. तर या प्रश्नाचं समाधान. दरम्यान यावेळी नगरसेवक वसीम शेख म्हणालेत की एसटीपी प्लांटला येथील स्थानिक नागरिकांचा विरोध आहे. त्यांनी आज जे आंदोलन केलंय त्या आंदोलनाला आमचा पूर्णपणे पाठिंबा आहे. त्यासोबतच महसूल मंत्री नंदर बाळासाहेब थोरात यांच्यावरती देखील आमचा पूर्ण विश्वास आहे. त्यांच्याकडे आम्ही हा प्लांट दुसरीकडे नेण्यात यावा याबाबत मागणी करणार आहोत. या मागणीला निश्चितपणे बाळासाहेब थोरात हे पाठिंबा देतील असा विश्वास वसीम शेख यांनी व्यक्त केलाय. मला आम्हाला इतकं बोलणं आहे घाली की एसटीपी प्लांट काही खिलाफ नाही आहे. एसटीपी प्लांट आम्ही याच्या हाटाने की आम्ही पूरी ताकद चालू आहे. इन्शाल्ला आम्हाला अल्लाची उम्मीद आहे आम्ही याच्या हाटात आले. आमको बाळासाहेब थोरात पे भरोसा आहे. आम्ही बात मान के याच्या हाटाने की कोशिश दिल से रहेंगे, एकदम पूरी कोशिश रहेंगे, पूरी जान पे के एसटीपी प्लांट का जो कर रहे ना तुम अच्छा काम कर रहे. खाली भाई एक नेशनल ग्राउंड छोड़ के हीरा गाँव के बीचों बीच है, यहाँ छोड़ के दूसरी तरफ करो. हमारे इतना बोलने इन्शाल्ला करेंगे. दरम्यान यावेळी नगरसेवक डॉक्टर दानिश खान म्हणालेत की या ठिकाणी असलेल्या नागरिकांचा रोष बघता एसटीपी प्लांटला आमचाही विरोध आहे, त्यामुळे हा प्लांट दुसऱ्या ठिकाणी नेण्यात यावा यासाठी आम्ही सर्व नगरसेवक महसूल मंत्री आमदार बाळासाहेब थोरात यांना भेटणार आहोत. आम्हाला त्यांच्याकडनं निश्चितपणे न्याय मिळेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. मैं मेरे भाइयों से, मेरे बहनों से और सब मेरे दोस्तों से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि आज जैसे कि हमारे सब आज नगर सेवक है और जो भी सभी हजरात यहाँ पे जो जमा हुए कि जैसे कि सभी भाई ने भी इसके पहले बताए कि जैसे कि कचरा कुंडी के लिए विरोध हुआ तो कि कचरा कुंडी कुरन की तरफ शिफ्ट हो गई, तो वैसे ही लोग सही के मार्ग से अगर आप सब लोग मतलब हम सब लोग अगर ये अगर हम ये नहीं चाहते क्योंकि ये नागरिक की सुविधा के लिए ये एसटीपी प्लांट होने जा रहा था, तो अगर नागरिक नहीं चाहते
तो हम भी नहीं चाहते, और इंशाल्लाह हम ये हटा के रहेंगे। और जो भी हमारे लोक प्रतिनिधि है, आमदार बाला साहब थोड़ा साहब है, इनसे हमको इंसाफ की उम्मीद है, और ये हमको इंशाल्लाह अल्लाह की जात से भी उम्मीद है कि इनके जरिए से हमको इंसाफ मिल के रहेगा। शावी शेख सी 24 तास संगमनेर।